पहला का भोग जी हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। देखिए हमारा पहला का भोग जी एकदम बन के रेडी हो चुका है। इतना टेस्टी बनता है ये, आप देख सकते हैं पहला का भोग जी। आज हमारा चैनल है एसकेजी ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं हम करेला का भुर्जी बनाने जा रहे हैं। देख सकते हैं कैसे बनते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले हम करेला ले लिया, अच्छा से पतला पतला करके काट के हम धोल के रखे इसको। और हम दो टमाटर ले लिए, लहसुन ले लिए थोड़ा सा, और थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में हम कंदा ले लिए, मिर्ची ले लिए, दो टमाटर भी है देख सकते हैं हम। और ये इतना चुके हम करला। अब देखिए हम कैसे बनाते हैं नया तरीका से भुर्जी। सबसे पहले तो हम गैस को ऑन कर लेंगे। अब इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए थोड़ा टाइम रहने देंगे हम इसको। देखिए हमारा ये ऑयल गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम जो लहसुन रखे, लहसुन को हम इसमें ऐड कर लेंगे। लहसुन का हम थोड़ा फ्राई होने देंगे। देखिए हमारा लहसुन फ्राई हो चुका है हल्का सा। अभी हम इसमें कंदा ऐड कर लेंगे। कंदा जो मिर्ची टुकड़ा करके रखे थे वो ऐड कर लेंगे हम। कंदा को थोड़ा टाइम भून लेंगे। अभी देखिए हमारा ये कंदा फ्राई हो चुका है। हम जो कलर रखे थे काट के अच्छा से उसको डालेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा धुल के रखे हम इसको, पतला पतला करके अच्छा से धुल के रखे हम इसको। पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे हम इसमें, भुर्जी बनाना है हम इसको। हाथों से मिक्स कर लेंगे इसको। हम पहला का भुर्जी बना है, इसके बाद हम सब कुछ ऐड कर लेंगे। जो टमाटर दो कट करके छोटा सा इसको, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और हल्का सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और कुछ भी मसाला नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ हल्का हल्दी पाउडर बस, और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे हम। नमक भी ऐड कर लेंगे इसमें, नमक ऐड करने में जल्दी गल जाएगा, हमको गलाना है इसको अच्छा से। इसके बाद हम नमक ऐड करें, नमक अपना हिसाब से ऐड कर लेना। नमक ऐड करने में जल्दी अच्छे से गल जाता है, इसके वजह से नमक ऐड कर लिए। देखिए हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। क्या हमने मिक्स कर लिया, अभी इसको ढक्कन लगा देंगे क्योंकि थोड़ा गलाना है हमको इसको, भुर्जी बनाना है। इसके वजह से हम ढक्कन लगा देंगे, देख सकते हैं हम ढक्कन लगा के थोड़ा टाइम रहने देंगे। ये थोड़ा टाइम होगा हमारा ये, अभी हम देखेंगे इसको। देखिए हमारा ये ऐसे हल्का हल्का हुआ, अभी अच्छे से हम गलाना है, भुर्जी बनाना है इसको। नया तरीका वाला हमारा भुर्जी देख सकते हैं आप। अच्छे से हम उसको ढक्कन लगा कर रख देंगे थोड़ा टाइम पकने के लिए। हम इसको बीच बीच में देखते रहेंगे। देखिए हमारा भुर्जी बन रहा है, इसको अभी अच्छा से भूनना है हमको, जैसे मसाला भूनते इसको ऐसे भूनना है। इतना अच्छा भूनेंगे इतना अच्छा टेस्टी होता है ये, अच्छा से भूनना है हमको। नया तरीका वाला बनाना है
कोशिश आप देख सकते हैं, आप इसे एक बार बना के खा के देखिए कितना टेस्टी होता है। अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कैसे कर दीजिए। आप देख सकते हैं अगर कैसा लगा हमारा इसके बाद खा के देखिए अब क्या होता है, कैसा लगता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत टेस्टी होता है ये। इसको पहला खाने का पसंद नहीं है वो भी खाएंगे, इसको भी अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी बनता है ये। गैस को पूरा फास्ट में रखें, जो कोई भी पहला खाना नहीं चाहता है इसको भी अच्छा लगेगा, आप एक बार बना के खा के देखिए। टाइम लगेगा उसको, ऐसे एक तरफ से भूनते रहेंगे हम उसको, बैठने का जरूरत नहीं है, ऐसे भूनते रहेंगे हम। देखिए हम उसको भूनते जाएंगे, उसे बैठने नहीं देना है, अच्छे से भूनते रहेंगे। जितना भुनेंगे उतना टेस्टी होता है, तो भूनते रहेंगे हम। देख सकते हैं हम करेला का भुर्जी हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। देखिए हमारा करेला का भुर्जी एकदम बन के रेडी हो चुका है, इतना टेस्टी बनता है ये। अब देख सकते हैं करेला का भुर्जी, देखिए गाइस हमारा इतना अच्छा बन गया है ये, बन के रेडी हो चुका है। हम गैस को बंद कर देंगे तो अब देखिए इतना अच्छा दिख रहा है, देख सकते हैं गाइस इतना टेस्टी होता है ये। एक बार बना कर खा के देखिए मेरा तरीका से, अगर अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, शुक्रिया।